दोस्तों इंदौर से कस्टमर आया, इंदौर से आया ना सर, इंदौर से। इंदौर से आया कस्टमर जियो हंटर 3D के लिए। ये इनको मैंने ड्यूअल भी बोला, ये बेसिक में आए, सिंगल कॉइल के साथ में इनका है। तो अभी ये इनको दिखा रहे हैं जियो हंटर 3D स्टार्ट कैसे करते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड बैलेंस थोड़ा होना मुश्किल है। अभी जो स्टार्टिंग इनिशियल किसी भी मशीन के लिए, इस कॉइल को पहले ऊपर उठाना है, ठीक है। जी इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, देखो टीवी दिखाओ। अभी टीवी में सब इलेक्ट्रिक से सब साइड में है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत देगा। इसमें पहले दिखाएगा कि बैटरी कितना टका है आपको आगे काम करने के लिए, 100% बैटरी। अभी ये जो कनेक्टर दिखा रहा है, अभी ये कनेक्ट हुआ है, जो कॉइल कनेक्शन है सब है वो दिखा रहा है, कैसे क्या है क्या है। अब आया मेन बात, अब मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा, अभी ये ग्राउंड बैलेंस इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीचे पूरा सरिया है, स्टील है। अब नीचे प्लस में दिखा रहा है, मैंने ऊपर किया, रिसेट किया, पहले ऊपर लिया, प्लस दबाया, हाँ प्लस दबाया, फिर नीचे किया, रिसेट, एक बार रिसेट मार लेंगे उसको वापस ऊपर नीचे। देखो ये 100% के पास जाता है, देखो ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, नीचे करके रिसेट करेंगे, ऊपर करेंगे। अब माइनस दिखा रहा है तो माइनस दबाएंगे, 1 2 3 4 5, वापस इसे देखो 100% डन हो गया है। तो अभी ये स्टील है, फिर भी थोड़ा ऊंचा उठा उठा के हमने कर लिया, लेकिन हमको क्या करना चाहिए इसमें, ये देखो साउंड लाइट सेंसिटिव आयरन। तभी ये सेटअप का बटन दबा दिया, ये साउंड आया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट किया, ये हरे में आया तो देखो कम, हमने थोड़ा साउंड कम कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट किया, पीला हो गया, उसको हमने लाइट में गए, ये लाइट हम थोड़ा सा कम रखेंगे, ग्रीन हो गया, दिख रहा ना, ग्रीन हो गया। अभी इसको हम थोड़ा लाइट कम कर रहे हैं, काहे को बैटरी हमको ज़्यादा दूर तक यूज होएगा, हाँ। अभी हो गया वापस पीला, पीले में प्लस दबाया, सेंसिटिविटी, अभी सेंसिटिविटी 100 है, इसके लिए यहाँ पे और तकलीफ हो रहा है, ये फुल चल रहा है, तो इसको हमने एक्सेप्ट किया। अभी घर के अंदर है ना, किसी भी घर के अंदर होगा तो सेंसिटिविटी हम बहुत कम रखेंगे, हमने 30 तक रख दिया, हाँ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सेटअप दबा दिया, पूरा बैक आ गया, फिर वो ग्राउंड बैलेंस का चक्कर आपने देखा, नीचे किया, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है उसको, लेकिन फिर भी ये ग्राउंड बैलेंस इधर 100% डन आने के लिए ऊपर नीचे करके मेरा कुछ वीडियो आपको भेज दूंगा ना, उसमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है जी हाँ। ग्राउंड इफेक्ट -25/7। अभी हम क्या करेंगे, इसको कोई भी चीज़ है, देखो अभी वो सोने की कंगन, सोने का कंगन, हाँ इसके नीचे से घुमाओ, एक्सेप्ट नहीं, ये देखो, हाँ ये देखो वैल्यूएबल दिखा रहा है दोस्तों, सोने का जो कंगन है वो वैल्यूएबल दिखा रहा है ना जी हाँ। ज़्यादा 93% वैल्यूएबल मेटल दिखा रहा है, मेटल है वैल्यूएबल है, लोहा नहीं दिखा रहा है, और कैविटी भी नहीं दिखा रहा है, गुफा भी नहीं दिखा रहा है, हाँ। अब हमको ये मालूम पड़ेगा हम क्या करेंगे, अभी रुको, अभी अभी मैं इसको वापस उधर ही रखो हाथ, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा ओके करो, ये स्कैन बटन दबाया मैंने, और मैंने इसके ऊपर से घुमा के स्कैन बटन छोड़ दिया, ये क्या लिख क्या है, गोल्ड, वो गोल्ड है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड लिख के आ गया। मिनरल इफेक्ट 10%, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट 2%, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट 4%, मैग्नेटिक इफेक्ट, मिक्सचर इफेक्ट 12%, कार्बन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब पूरा इंटरनेट कनेक्शन से लेके बड़ी बैंक है नीचे, उसके कारण कमेंडेड बाय कॉम्प्यूटिंग द ग्राउंड इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ टारगेट। वो बता रहा है कि सब चीज़ें और टारगेट का इसका मेल मिलाप करके हमने आपको एनालिसिस रिपोर्ट दे दी है, ठीक है। ये डेप्थ आप नहीं बता रहा है, हाँ ट्रेनिंग, ये डेप्थ नहीं बता रहा है, अभी डेप्थ के लिए और आगे मैटर है जी हाँ। डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले एक्सेप्ट करेंगे। अब ये डेप्थ का बटन है, डेप्थ का बटन दबा दिया हमने, डेप्थ का बटन दबाने के बाद में ये विड्थ है, इस पे जाना पड़ता है, ये देखो आया, हमने विड्थ को क्या कर लिया, 30 कर लिया, ठीक है। 30 क्या है ये, वो विड्थ कितना बाय कितना सेंटीमीटर में आपको करना है, नहीं 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 सर, 30 फीट नहीं, इतना फिट नहीं दिखाता है कभी, उतना ही नहीं करता है, ठीक है ना। अभी नीचे आया, लेंथ में कितना करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्कैन का बटन दबाएंगे, अब ये देखो 25 सेंटीमीटर दिखा रहा है, अच्छा जी कितना नीचे है, कौन सा है, मेटल दिखा रहा है, 30x30 के इसमें दायरे में हमने किया है उसको। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ टारगेट हैव बीन टुक अप रेफरेंसेस ऑफ ऑन मेजरमेंट वैल्यू ऑफ टारगेट, ये कितना नीचे बता रहा है, सटीक जगह भी दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आपको जी जी। बहुत सिंपल है मशीन, आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हो, ग्राउंड बैलेंस ऑफर करना है तो इधर करना है, ये बहुत शॉर्टकट में मशीन है दोस्तों, बहुत बढ़िया मशीन है।
लेकिन अभी इनका कैसा है, इनका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होने के कारण ये अलग अलग दो मशीनें का कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे साथ में, प्लस एक पिन पॉइंटर भी ले रहे हैं। इनका मैटर थोड़ा अलग है, बड़ा मैटर है, तो वही हिसाब से ये, और ये मतलब सब बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, कानून सब कैसे काम होता है सब कुछ मालूम है इनको, तो वो हिसाब से लोग ले रहे हैं। तो अगर आपको भी मशीन लेना है तो आप आ सकते हैं। आपको समझ में आया बहुत शॉर्टकट में? हाँ, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बात मालूम पड़ेगी कैसा होता है क्या होता है, ठीक है? बंद कर दो। तो इंदौर से कस्टमर आए, छोटा सा वीडियो बना लिया है जियो हंटर 3D ड्यूअल सिस्टम का, अभी वो उनका जो ट्रेनिंग दिया वो हिसाब से वो करके दिखाएंगे, हमको ऑपरेट करके दिखाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर चला के दिखाएंगे कैसे मशीन किस धातु के ऊपर बोलती है। करो सर, चालू करो पहले इसको। हाँ ठीक, करो। अभी इंडोर में है, इसके लिए हम लोग का ग्राउंड बैलेंस 100% नहीं होता है, थोड़ा ऊपर उठाने के बाद होता है, लेकिन बात उनको समझ में आ गई, उनका जो मेन प्रोसेस है वो कर लेंगे फिर, ठीक है? अभी क्या आया, ये क्या आया सर? ये भी बैटरी 100% बता रहा है, स्टार्लिंग का बता रहा है, तो 100% स्टार्लिंग हो गई। अभी हमको ग्राउंड बैलेंस करना है, कैसे करेंगे ग्राउंड बैलेंस? हम ग्राउंड बैलेंस अभी 100% बता रहा है, कर देंगे, अभी इसको सेट कर देंगे, रीसेट कर, एक्सेप्ट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर, आप चला के दिखाओ मुझे। अब अपन चला रहे हैं, ये इसको पहले सी रुको सर, बराबर एकदम बराबर आप खुद होके कर रहे हो, वन टाइम में समझ गया बंदा। क्या दिखा रहा सर इसमें? इसमें मेटल बता रहा, वैल्यूएबल बता रहा है ना, वैल्यूएबल बता रहा और मेटल बता रहा। हाँ, अब इसको वापस क्लोज करेंगे जी और वापस चालू करेंगे। उसको ऑलरेडी सब कुछ झेलना पड़ रहा है, पहले कैसे करेंगे? हाँ, अब उसके ऊपर से घुमाओ सर, नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी पकड़, हाँ देखो आ रहा है, हाँ ये देखो आयरन दिखा रहा है, आयरन करके दिखा रहा है आयरन जी, हाँ हाँ करो, हाँ अब उसके ऊपर स्कैन करके वापस करो, वापस करो स्कैन करके, हाँ छोड़ो। अब क्या बता रहा है? आयरन बता रहा है, कैविटी आयरन, कैविटी आयरन, कैविटी में नीचे जो गुफा है वो दिखा रहा है और आयरन दिखा रहा है, आयरन दिखा, तो इस तरह से उसको दिखाता है। अब डेप्थ का बताओ सर, अब डेप्थ पहले अपन डेप्थ के बटन दबाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा ना सर, ऐसा नहीं होगा ना, पहले हमको उसमें, हमने क्या किया अभी स्कैन किया था ना जी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब डेप्थ का बटन दबाएंगे, बटन दबा के फिर उसके ऊपर से, नहीं डेप्थ का कर सर, डेप्थ का बटन छोड़िए सर, सॉरी सॉरी, अभी स्कैन बटन दबाना है उसको, डेप्थ का उसको तो करना चाहिए, लेकिन ठीक है छोटा ऑब्जेक्ट है ना, अभी स्कैन बटन दबा के उसके ऊपर से करो सर, स्कैन नजदीक से करो सर, आपसे क्या गलती हो रही बार बार, अब स्कैन बटन दबा के उसके ऊपर घुमाओ, ऐसा नहीं चलेगा ना, हाँ घुमाओ फटाक से घुमाओ, अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, अभी एक्सेप्ट नहीं किया आपने, एक्सेप्ट करके इसका जो ये है ना, दोनों चीजें एक्सेप्ट नहीं किया था, ये गलत हुआ, नहीं 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 वो कुछ नहीं हुआ, वो ये 30 तक कर लिया हमने, ये किया, ये नीचे आ गया, ये एक्सेप्ट किया, 40 तक कर लिया, एक्सेप्ट किया, अब उसके ऊपर स्कैन करके घुमाओ, हाँ बराबर घुमाना चाहिए, आड़ा तेड़ा नहीं होना चाहिए, हुआ? अब क्या दिखा रहा है, कितना डेप्थ में है? 68 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, मेटल करके दिखा रहा है ना, मेटल दिखा रहा है, 68 दिखा रहा है, 68 सेंटीमीटर में मेटल दिखा रहा है, तो डेप्थ कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है? प्रोसेसिंग करोगे, ऑपरेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मशीन वर्क करती है, आपको समझ में आ गया? हमने गोल्ड का भी देखा और उसका भी देखा, अभी स्कैन करो, हाँ अभी रखो, मैं ये करता हूँ, स्कैन दबा के रखो आप, अब पहले वापस उसको डेप्थ में आना पड़ेगा, डेप्थ में आना पड़ेगा, एक्सेप्ट अब वापस रुको, अभी पकड़ के रखो सिर्फ स्कैन को, मैं ऊपर से घुमाता हूँ, अभी ये कितना दिखाया आपको, 58 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर दिखाया, दिखाता है ना डेप्थ, दिखाता है बराबर, मेटल कौन सा दिखाता है, मेटल है और इतना है वैल्यूएबल, में अपने को पहले प्रोसेस में दिखा देता है, ठीक है समझ में आपको? यस ओके सर।